हे दोस्तों, जेएल कॉलिंस को ये बहुत अच्छे से पता था कि एक इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है, वो भी आसानी से। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता था कि हाँ, ये चीज़ आसान तो है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा रिस्क भी है अगर आपको सही से नॉलेज ना हो तो। और यही चीज़ वो अपनी बेटी को समझाना चाहते थे। वो अपनी बेटी को एकदम ईजी वर्ड्स में समझाना चाहते थे कि कैसे वो रिस्क अवॉइड करके इन्वेस्टिंग करके अमीर बन सकती है। और ये चीज़ समझाने के लिए ही आप बोल सकते हो उन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जिससे एट द एंड उनकी बेटी को तो हेल्प मिलेगी ही, प्लस उनकी बेटी की तरह जो भी लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह सीखने के बारे में इतने इंटरेस्टेड नहीं है बट स्टिल स्टॉक मार्केट से फायदा उठाना चाहते हैं, उनको भी इससे हेल्प मिले। जैसे उनकी बेटी को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें बहुत बोरिंग और कॉम्प्लेक्स लगती थी, वैसी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये चीज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बोरिंग लगती है। यही चीज समझते हुए उन्होंने इस बुक को लिखा है जिसकी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन सकते हो एकदम सिंपल तरीके से, क्या आपका मिलियनर बनना पॉसिबल है इन्वेस्टमेंट करके, कैसे आपको पैसे के बारे में सोचना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिंग बहुत ही सिंपल है, और तीन टूल्स जो आपको इन्वेस्टिंग के लिए हेल्प करेंगे, ये सारी बातें आज मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ इस बुक की हेल्प से। प्लस एक और अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में भी मैं INDMoney के साथ मिलकर 250 रुपीज के फ्री शेयर देने वाला हूँ Amazon के। कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक बार दो बचपन के दोस्त होते हैं जो बड़े होते हैं, तो उनमें से एक दोस्त जो होता है ना वो राजा का मंत्री बन जाता है और जो दूसरा दोस्त होता है ना वो एक मॉन्क बन जाता है। नाउ कई सालों बाद जब वो दोनों वापस मिलते हैं ना, तो पहला दोस्त अपने मॉन्क दोस्त का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अगर तुम भी मेरी तरह राजा के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो तुम्हें हमेशा बस सादे चावल खा के जिंदा रहना नहीं पड़ता। तो उसके जवाब में वो मॉन्क दोस्त हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें सादा खाना खाकर जिंदा रहना आ गया होता तो तुम्हें आज राजा का नौकर बनकर रहना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि हमें कम में सर्वाइव करना आए। ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो लोग हमेशा जिंदगी से बहुत ज्यादा चाहते हैं। बेसिकली वो बोल सकते हो कि वो लोग को हर दिन जिंदगी में ना बिरयानी चाहिए, सादा खाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है और फाइनेंशियली भी कुछ अच्छा करना है, तो आपको सादी जिंदगी जीने आना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत पैसे तो कमाते हैं लेकिन वो लोग इस हिसाब से उड़ाते भी हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीद के, महंगे महंगे कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें खरीद के, जिसकी वजह से हाँ वो लोग दिखने में तो अमीर लगते हैं बट रियलिटी में कई बार उनका बैंक बैलेंस बहुत कम होता है और वो अमीर नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं ना जो बहुत सादी जिंदगी जीते हैं, उनके कपड़े सादे होते हैं, जूते सादे होते हैं, लेकिन उनके बैंक बैलेंस भरा होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज वो एक छोटी सी चीज़ को समझते हैं दैट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको कम में जीने आना चाहिए। बिकॉज ऑथर बोलते हैं, देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपको पैसों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही ना हो, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस होना, ऑप्शंस जिनकी बदौलत आप बोल सको FU Money, जैसा ऑथर बोलते हैं, मतलब जैसे चाहे वैसे करना, ट्रैवल करना है या घर पे आराम करना है, काम करना है या रिटायर हो जाना है, ये सारी चीज़ों के ऑप्शंस आपके पास होना, ये होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, जहाँ आपके डिसीजंस पे पैसा इंटरफेयर नहीं करता है और ना ही आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। हाँ, मैं जानता हूँ ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर क्वेश्चन यही है कि आप इतना पैसा कमा कैसे सकते हो जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट बना दे। बिलोथो बोलते हैं ये चीज़ करना भी बड़ा सिंपल सा है, आपको बस इस सिंपल से फॉर्मूले को याद रखना है जो है इन्वेस्ट योर मनी माइनस डेथ प्लस लिव ऑन लेस। मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, अपनी जिंदगी से डेप्थ को माइनस करो और जितना हो सकता है उतना कम से कम में जीने की कोशिश करो। पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसे अगर आप मास्टर कर लोगे तो ये आपका एक वंडरफुल सर्वेंट बन के आपको दिखा देगा, लेकिन अगर आप इसको मास्टर नहीं कर पाओगे तो आप इसके जिंदगी भर नौकर बन के रह जाओगे। और अगेन, मास्टर करने के लिए आपको क्या करना है, कोई बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है, बल्कि सिंपली आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग समझनी है। देखो, ऑथर का मानना है ना कि इन्वेस्टिंग को लेके इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसलिए मार्केट में फैले हुए हैं क्योंकि इससे ना बड़ी बड़ी कंपनीज का और जो लोग ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखाते हैं बस उनका फायदा होता है। कई सारे लोगों को जॉब्स मिलती है, फंड मैनेजर्स, ये लोगों के जॉब इस सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इसलिए मार्केट में एक हवा बनी हुई है अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में। जबकि सच तो ये है ना कि आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इन्वेस्टिंग में आपका कॉमन सेंस यूज़ करने आना चाहिए। मार्केट को देखना, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब, कंपनीज के पास्ट परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं कई सालों से, टॉप लीडिंग कंपनीज कौन सी है, बस ये सारी कुछ सिंपल चीज़ें होती है जिसकी हेल्प से आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और इतना भी नहीं समझना तो आप सिंपली बस इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको पूरे स्टॉक मार्केट का फायदा मिल जाएगा जो लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। अगर इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लोगे, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड, कैन यू रिटायर एज अ मिलियनर? ऑथर से अक्सर ना लोग ये पूछा करते हैं कि क्या मेरा एक मिलियनर बनना पॉसिबल है रिटायर होने से पहले, जिस पे ऑथर बोलते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल है, हर मिडिल क्लास पर्सन बहुत आसानी से एक मिलियनर बन सकता है, लेकिन ऐसा मैक्सिमम लोग कर नहीं पाएंगे बिकॉज मैक्सिमम लोगों में वो डिसिप्लिन नहीं होता है। वॉरेन बफेट भी बोलते हैं ना कि एवरीवन कैन बिकम अ बिलियनर लाइक मी, यू जस्ट नीड पेशेंस।
जो एक्चुअली में मैक्सिमम लोग के पास नहीं होता है। अब देखो, अगर आप नंबर्स पे नजर डालें तो आपको समझ में आएगा कि आप बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके भी लॉन्ग टर्म में 1 मिलियन अर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान ने जनवरी 1975 से लेकर जनवरी 2005 तक स्टॉक मार्केट में एवरेज अगर इन्वेस्ट किया होता, जहां स्टॉक मार्केट ने एवरेज 11.9% का एनुअल रिटर्न्स दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर 1975 में अगर इंसान ने सिर्फ $12,000 इन्वेस्ट किए होते और भूल गया होता, तो आज उसके पास $1 मिलियन के ऊपर होते। अब देखो, समझने वाली बात यह है ना कि ये चीज होने के लिए 40 साल लगे, और इन 40 सालों में कई सारे फाइनेंशियल क्रैशेस हुए हैं, डिजास्टर्स हुए हैं, इकोनॉमी बर्बाद हुई है, बहुत कुछ हुआ है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म में $1 मिलियन बन जाते हैं। बस इतना सिंपल है मिलियनर बनना। अब चीजें अगर इतनी सिंपल है तो मैक्सिमम लोग मिलियनर बन क्यों नहीं जाते? वेल, ऑथर बोलते हैं इसका रीजन बिकॉज यही है ना कि ज्यादातर लोगों को ना जल्दी आउटकम चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोग अपने खर्चे पे कई बार कम करने पे फोकस करते हैं, सेविंग्स करने पे भी करते हैं, या तो कुछ लोग तो बस अपनी इनकम बढ़ा के महंगी लाइफस्टाइल जीने के पीछे भागते रहते हैं। जबकि ऑथर का मंत्र तो एकदम सिंपल है कि स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द सरप्लस जो आपके पास बचते हैं, एंड अवॉइड डेब्ट। बस फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी मंथली इनकम है ₹50,000, और अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कम करके सिर्फ ₹10,000 भी हर महीने साइड में रख देते हो और बाकी के 40,000 में से अपनी लाइफ जीते हो, तो इससे बहुत कुछ हो सकता है, और फ्यूचर में इस अमाउंट को आपको बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको बिना चिंता करे हर महीने 10,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा। इंडेक्स फंड्स वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होता है, अच्छे रिटर्न्स भी देता है और रिस्क भी कम होता है। अब अगर मान लो इससे आपको ऑन एवरेज 15% के रिटर्न्स मिलेंगे ना हर साल, तो ऐसा करने से आप 30 साल में रिटायर होने से पहले 7 करोड़ के आसपास के मालिक होंगे, यानी $1 मिलियन। बेसिकली आप मिलियनर बन गए रहोगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अगर आप अपनी ईयरली इनकम के सिर्फ 4% पे सर्वाइव कर लेते हो, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। इसका मतलब है, समझो फॉर एग्जांपल, आपको टोटल 7 करोड़ 67 लाख के आसपास की नीड होगी, जो $ के अकॉर्डिंग 1 मिलियन होते हैं। अब ये लिटरली सबसे आसान तरीका है मिलियनर बनने का। और अगर आप थोड़ा और रिसर्च करके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो, तो ये 1 मिलियन और जल्दी हो सकते हैं। अब अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब क्या होता है? देखो, मैं बचपन से कंप्यूटर्स को देखते आ रहा हूँ, उसको कैसे लोग उसका असेंबल करते हैं, अलग अलग पार्ट्स लगाते हैं। ना, कंप्यूटर्स में एक पार्ट होता है ग्राफिक कार्ड, जिसके बारे में आपको पता होगा। ना उसको कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? एक कंपनी जो बहुत अच्छा करती है, उसका नाम है एनवीडिया। अगर आप गेमर हो, क्रिप्टो माइनिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत जानते हो, तो आपको इस कंपनी के बारे में अच्छे से पता होगा। ना अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते, तो आपको पता है पिछले 5 साल में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिला होता? 733। क्यों? क्योंकि कंपनी अच्छी है, ये नए नए इनोवेशंस करते रहती है, अपने कार्ड्स पे काम करते रहती है। अगर आप गेमर हो तो आपको पता होगा गेमिंग इंडस्ट्री भी कितनी बूम पे है, क्रिप्टो करेंसीज में ग्राफिक कार्ड लगता है। तो ये सब चीज़ें एकदम क्लियर इंडिकेटर देती है कि कैसे ये कंपनी बहुत अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए। और इनफैक्ट अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखोगे ना, ईयर 1999 से लेके आज 2022 तक, यानी 23 साल में इसका स्टॉक प्राइस है ना 53,802% से ज़्यादा बढ़ा है। सोचो, अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, तो आप कितना पैसा कमा सकते हो। बट अगेन, हाँ, ये चीज़ रिस्की हो सकती है सही कंपनी चूज करना, इसलिए इंडेक्स फंड का ऑप्शन ऑथर आपको बताते हैं। बट फिर भी एक कुछ कंपनीज होती है जिनमें इन्वेस्ट करना आप बोल सकते हो काफी सेफ और अच्छा है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप ये वीडियो किस पे देख रहे हो? यूट्यूब पे, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपका फोन किसका होगा? iOS का होगा या फिर एंड्रॉयड होगा। शॉपिंग आप यूजुअली किससे करते हो? मे बी अमेजोन से। ऐसी जो भी कंपनीज के आप डेली प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज करते हो, ऑब्वियसली उनके बारे में आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा कि वो कंपनी कितना अच्छी है, कितने भरोसे लायक है, फ्यूचर में वो कंपनी काम करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास होंगे। क्वेश्चन ये है कि जब इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विस आप डेली यूज करते हो, इनके फाउंडर से इंस्पायर होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा क्यों नहीं उठाते? नाउ आई नो, बहुत से लोग बोलेंगे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, कमीशन होते हैं, इनके स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव भी है। बट अगर आप मेरी तरह IND मनी का यूज करोगे US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप US स्टॉक्स के फ्रैक्शंस को भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी की अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशंस है और जीरो ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपने फेवरेट US कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप सबको मैं IND मनी के साथ मिलकर Amazon कंपनी के ₹250 के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। यस, बस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से जाना है, IND मनी पर साइन अप करना है और अपना US स्टॉक्स अकाउंट क्रिएट करना है, और ऐसा करने से आपको Amazon के फ्री शेयर्स मिलेंगे रिवॉर्ड सेक्शन में। या फिर आप अगर डायरेक्टली प्ले स्टोर या एप स्टोर से IND मनी इंस्टॉल करते हो, तो आपको ये कोड डालना है साइन अप करते टाइम, और आपको ₹250 के शेयर्स फ्री में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप अपना US स्टॉक्स अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करोगे ना, तो आपको ₹750 का फ्री US स्टॉक्स भी मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फ्री में लेना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके साइन अप जरूर करो और अपने फ्री शेयर्स अभी क्लेम कर लो। थर्ड पॉइंट है, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। देखो, ऑथर कहते हैं कि पैसों के बारे में आपको ऐसे सोचना चाहिए कि अभी मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करूंगा और इससे फिर मैं अर्न करके
वापस से उसे री इन्वेस्ट करूंगा। तो मैक्सिमम लोग तो इन्वेस्ट करते ही नहीं है, और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उससे वो लोग कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं और उस पैसे को बर्बाद कर देते हैं। जबकि आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट कमाओगे ना उससे वापस से रीइन्वेस्ट करोगे और कई सालों तक ये करते रहोगे। क्यों? बिकॉज आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक देखना है। आपको पता ही होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसा धीरे धीरे काम करता है और एक टाइम बाद आपको बहुत सारा रिटर्न्स देता है। एग्जाम्पल, जो माइक टाइसन के बारे में शायद आपको पता होगा, जो एक टाइम पे $300 मिलियन के मालिक थे लेकिन फिर भी वो बैंक्रप्ट हो गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अपनी अर्निंग से बहुत ही ज्यादा स्पेंड कर रहे थे। उनकी जो लग्जोरियस लाइफ थी ना उसमें उन्हें हर साल $400,000 का खर्च हो रहा था, और यही लैविशिंग लाइफ ने इतने सारे पैसे उड़ाने की वजह से वो बैंक्रप्ट हो गए। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ हुआ था जॉनी डेप के साथ भी, उनकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। और ये सारी चीज़ें दिखाती है कि कैसे हमें जितना भी हो सके उतना अपनी कैपेबिलिटी से कम में जीना चाहिए, लोन से दूर रहना चाहिए, कर्जों से दूर रहना चाहिए, और ये चीज़ आपको अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज़ करना चाहिए। अब देखो, समझो कोई एक इंसान है जिसे एक कार खरीदनी है, वो क्या करता है कि 1,00,000 रुपये की जो कार है ना वो उसे बहुत पसंद आती है, वो उसे ले लेता है, और ये करने के लिए वो क्या करता है, लोन ले लेता है, क्योंकि 1,00,000 उसके पास डायरेक्टली नहीं है ना। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। यूजुअली अगर आपको कार सच में चाहिए तो ट्राई करो वो सेकंड हैंड ही खरीदो। इवन वॉरेन बफेट भी सेकंड हैंड कार खरीदना पसंद करते हैं, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? देखो, अगर आप लोन लेते हो 1,00,000 की कार पे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो। वहीं अगर आप सब जो 1,00,000 आपके पास है तो भी आपको डायरेक्टली वो 1,00,000 अगर आप डाल दोगे तो ये चीज़ कई बार नुकसान वाली है। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल वही 1,00,000 अगर आप कार में इन्वेस्ट करने के बजाय स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहाँ ऑन एवरेज आपको समझो 10-15% रिटर्न मिलता है, तो भी आप उससे 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा सकते हो एक साल में, सोचो। और अगर वही 1.5 लाख को आप वापस रीइन्वेस्ट करोगे तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा होगा और आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, जिसके बाद हाँ शायद आज नहीं लेकिन कुछ साल में आप वो कार को आराम से बोल सकते हो आप फ्री में खरीद लोगे और आपके वो 1,00,000 फिर भी बचे हुए रहेंगे। ऐसी मेंटेलिटी से अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे ना तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। और ये थिंकिंग ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में है नहीं, तो जब भी आप कपड़े खरीदने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तो आप ट्राई करते हो कि आपको वो चीज़ सेल में मिल जाए, सस्ती में मिल जाए, जिसके लिए कई बार आप वेट भी करते हो और फिर आपको वो सेल में मिल भी जाती है सस्ती। ऐसी अगर आपको कार भी चाहिए ना तो सोचो आप वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो सेल का, सेल जब आपको इन्वेस्ट करने के बाद पैसे मिलेंगे उससे खरीदोगे तो काइंड ऑफ सेल में हो जाएगी, आपको सस्ती मिल जाएगी। और ये सब चीज़ से रिलेटेड भी आप प्लानिंग कर सकते हो। और कई सारे ऐप्स आपको ये भी फीचर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट फॉर कार खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप अब्रॉड घूमने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ के लिए भी प्लानिंग की जाती है जिससे आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा के वो सारी चीज़ें कर सकते हो काइंड ऑफ फ्री में। नेक्स्ट है सिंपल इन्वेस्टिंग। तो ये ऑथर कहते हैं ना, द मार्केट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल ऑफ ऑल टाइम। जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, हो सकता है आपको फाइनेंशियल क्रैशेस भी देखना पड़े, बट आपको बहुत पेशेंस रखकर इन सभी सिचुएशन से डील करना है। वॉरेन बफेट खुद भी बोलते हैं कि मैं भी मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। और कई बार सिंगल कंपनीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो ऐसे ही होता है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नियरली इम्पॉसिबल है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द सेफेस्ट और ईजी वे है। 1987 के फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे ऑथर ने अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का बहुत ट्राई करा, पर आखिर में पैनिक करके उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए, वो भी तब जब मार्केट ऑल टाइम लो थी। पर ऑथर को लग रहा था ना कि मार्केट और डाउन जाएगी, जिसकी वजह से ऑथर ने उस दिन अपने बहुत से पैसे लॉस्ट कर दिए। पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, कुछ टाइम बाद मार्केट ने क्रैश को सर्वाइव करा और अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। ऑथर कहते हैं वो 1975 से हर मंथ 200 इन्वेस्ट कर रहे थे, और अगर उन्होंने अपने शेयर्स को नहीं बेचा होता तो बाय द ईयर 2015 उनके पास टोटल $1.5 मिलियन होते। इसलिए याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए, शायद कुछ साल के लिए भी आपको लगे कि मार्केट नीचे है, बट लॉन्ग टाइम में वो ऊपर जाएगा ही, जिसे आपको हमेशा याद रखना है। सक्सेसफुली इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन तीन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, आप अभी इन्वेस्टिंग के कौन से स्टेज पर हो, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है या अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना है। दूसरा, क्या आप यंग हो और हाई रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो, या आपको सेफ प्ले करना है और आप ज़्यादा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तीसरा, आपका विजन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अब चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, रिस्क आपके लिए हमेशा एक फैक्टर रहेगा ही। अगर आप इन्वेस्ट ना भी करो तो इन्फ्लेशन आपकी पैसों की वैल्यू हमेशा कम करता रहेगा, वहीं अगर आप इन पैसों को इन्वेस्ट करो तो आप इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। इसलिए आप इस तीन क्वेश्चन को समझो और इस हिसाब से इन्वेस्टिंग करो। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप इंडिविजुअल अच्छी कंपनीज को भी देख सकते हो, और आपको रिस्क नहीं लेना है, एकदम सेफ रहना है, तो आपके लिए इंडेक्स फंड सही है। एंड लास्ट, थ्री टूल्स फॉर इन्वेस्टिंग। देखो, इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको तीन टूल्स की ज़रूरत है। पहला स्टॉक्स, दूसरा कैश, और तीसरा बॉन्ड्स। स्टॉक्स आपका कोर वेल्थ बिल्डिंग टूल हो सकता है, बॉन्ड्स आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, और कैश आपकी डेली नीड्स और इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है।
अब आप सोच रहे होंगे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है। वेल, जब आप स्टॉक्स खरीदते हो ना तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हो एक तरीके से, जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसका एक हिस्सा ओन करते हो। वहीं जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो तो आप कंपनी को पैसे उधार देते हो, अगर वो कंपनीज का बॉन्ड है तो। कई बार गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं जहां आप गवर्नमेंट को उधार देते हो। बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रह सकते हो। नाउ क्वेश्चन ये है कि आप कैसे इन तीन टूल्स को वेल्थ बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। देखो, ऑथर कहते हैं कि दो ऑप्शंस है, या तो आप वेल्थ एक्यूमुलेशन पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो या फिर वेल्थ प्रिजर्वेशन पोर्टफोलियो। ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टिंग के किस स्टेज पर हो। कोलिंस अपनी बेटी के लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन पोर्टफोलियो सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट यही है एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स डालकर भूल जाए, यानी इंडेक्स फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करके। और बस कुछ सालों बाद जब वो एक दिन सुबह उठेगी तो उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा। वेल्थ प्रिजर्वेशन उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और वो अपने पैसों से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। उनके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को दो हिस्से में बांट देना चाहिए और ज़्यादा अमाउंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये जितना आसानी से मैंने बोल दिया है, ये रियल में भी करना उतना ही आसान है। आपको स्टॉक मार्केट, शेयर प्राइस, ये सारी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगेन, अब इन्वेस्टिंग करने के लिए कई सारे ऐप्स हैं, बट जैसे कि मैं एक ऐप का यूज़ करता हूँ, INDMoney की ऐप डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसे आप अभी डाउनलोड करके अपने स्टॉक्स बाय करना स्टार्ट कर सकते हो। US स्टॉक्स भी यहाँ से जाके खरीद सकते हो। लिंक से जाके अगर आप INDMoney डाउनलोड करते हो तो आपको 250 rupees का Amazon स्टॉक मिलेगा फ्री में। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, US अकाउंट क्रिएट करते हो और अकाउंट में फंड डालते हो, 750 rupees के फ्री US स्टॉक्स भी मिलेंगे। कोड याद रखो ये है जो स्क्रीन पे आ रहा है। INDMoney को 4 million से ज़्यादा इंडियन यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ, सो आप भी जाके इसका यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो। कमेंट करके बताओ कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस है, परेशानी है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट में इतने इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन सिंपल वर्ड्स में इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मैं ऐसी बुक्स की बातें हर हफ्ते आपके लिए लेके आता रहूँगा फ्री में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।